तो दोस्तों पप्पू गार्गी जी के गाँव में हमारे सब्सक्राइबर मिल चुके हैं, इन्होंने मेरी पहले वीडियोस देखी हुई है। ठीक है, शाम को देखना वीरा। हाँ बाय बाय, अच्छा लगा तुमसे मिलके यार। हाय पलक, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर एपिसोड। अभी हमने एक व्लॉग एंड किया है, आपने देख लिया होगा, अभी हम दूसरा व्लॉग शुरू कर रहे हैं। फिलहाल हम उनके घर के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं, यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी में उनका घर है। और अभी हम पप्पू गार्गी जी के गाँव में आ गए और लगभग हम पूरा एक घंटे की ट्रैकिंग करके आए हुए हैं, तो आप लोग बने रहिए, उनके घर में पहुँचेंगे लगभग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बस मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो लाइक करके जाया करो, क्योंकि YouTube में लाइक का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर आप लाइक नहीं करोगे, वीडियो को देख के चले जाओगे एंजॉय करके, तो उन लोगों तक वीडियो नहीं पहुंचेगी जो वीडियो को देखना चाहते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि जो अंगूठा होता है अंगूठे को जरूर दबाएं, अगर आपको पसंद नहीं आई तो नीचे वाला अंगूठा दबा के जाना, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करके आना ताकि लोगों और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो उन लोगों तक वीडियो नहीं पहुंचेगी जो उनका गांव देखना चाहते हैं। तो बस मुझे यही कहना है कि आप लाइक करिए और आगे को एपिसोड एंजॉय करो। फाइनली हम पहुंच गई, यहाँ पर उनका घर है और सच में बहुत ही खुशी मिल रहा है यार। हम उनके घर में पहुंचेंगे, उनकी मम्मी से मिलेंगे और अब हम देखने की उन्हें मम्मी की रिएक्शन हुई। यार मेरे पास तो कुछ मतलब मेरे को कुछ शब्द ही नहीं है, मैं क्या कहूँगा उनसे जाके, तो देख लूँ यार क्यों अब। तो दोस्तों ये है पप्पू गार्गी जी का घर और देखो हम इतनी खुशी मिल रही है ना यहाँ के, सच में पप्पू गार्गी जी की याद ही आ गई यार सच में। तो दगड़ी ये जो पप्पू गार्गी जी की मम्मी है उन्हें पड़ोसी छाने लोग, तो ये कुणी की आप वहाँ जा रहे संघ जा रहे हैं ना, वो संघ अच्छा तो प्रेम नगर जा रही है संघ, तो हम मिल नहीं पाए उनसे, तो वो लोग फोन करेंगे अभी, तो हम लोग प्रेम नगर ही मिल लेंगे उनसे, खाली मिलना हूँ बस हम इनका हो। दगड़ी ये इनकी पड़ोसी है, ये पड़ोस वाली आम है, तो मैं उन्हें क्या खाया ताई है अच्छा सास भैया। तो दोस्तों हम लोग यहाँ इन्होंने पानी वानी पिलाया, अभी फोन में बात कर रही है उनकी मम्मी से, वो तो इन्होंने हमारी बहुत मदद की है, उन्होंने फोन ऑन कर लिया, अब हम उनसे मिलने जाएंगे। और ये उनर घर हूँ, तो तभी ना वो घर दिखो मैं, बहुत बहुत धन्यवाद तमर सबनक तम ब्याल का चाहे। वो हम एक डेढ़ घंटे की चढ़ाई चढ़ के ऊपर आए और लास्ट में हमारा पोपट हो गया। आज के दिन वो संगम में गई है जहाँ उनका राशन आता है, उनकी मम्मी है जो, और वो नीचे गई हुई है, तो फिलहाल हमें नीचे जाके ही मिलना पड़ेगा उनसे। उनको दिखाऊंगा तो मैं पक्का आपको, उनको तो पक्का दिखाऊंगा आपको मैं, क्योंकि उन्हीं के लिए आए थे हम लोग, और ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं था, उनसे मिलना था और उनसे थोड़ी बातें करनी थी, और देखना था कि जिन्होंने पप्पू गार्गी जी से कलाकार को जन्म दिया था वो कैसी हैं और कैसे रहती हैं अभी। तो ये था उनका घर, तो दिखा दिया मैंने, और बहुत ही भल लग रहा हूँ सच में, जिनके हम गाने सुनते थे वो बचपन में यहाँ रहे होंगे, तो इससे एक ऐसे मोटिवेशन मिलता है ना कि कलाकार होते हैं कोई बड़ी बड़ी जगहों से नहीं आते हैं, छोटी छोटी जगहों से ही आते हैं। और उनका घर देखा ही आपने कितना प्यारा घर था, तो वहाँ उन्होंने शायद अपना बचपन गुजारा होगा, उसके बाद फिर जब उन्होंने अपना ब्रांड पप्पू गार्गी जी खड़ा कर लिया उसके बाद फिर हल्द्वानी गए, उससे पहले यहीं रहते थे। तो इससे मोटिवेशन मिलता है कि छोटी छोटी जगहों से ही लोग आते हैं कलाकार होते हैं जो, और फिर बड़ा बन जाते हैं, तो बहुत है भला लगना सच में आज। तो दोस्तों उस रोड से हम आए थे वो रोड, फिर रोड से इस पहाड़ी में आए थे, इस पहाड़ी से हम इस पहाड़ी में आए, इस पहाड़ी से हम इस पहाड़ी में आए, और अभी फिलहाल हम इतना पीछे हैं, देखो रोड यहाँ पे है। तो लगा हम इतनी एक डेढ़ घंटे में इतनी ट्रैकिंग पूरी कर ली हमने, और फिलहाल सुमन का एक दोस्त है, सुमन का दोस्त का घर है इधर। हम पप्पू गार्गी जी ने घर में हैं, तो आपको पीछे ये घर दिखाई दे रहा है, पप्पू गार्गी जी का घर है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है यार कि जैसे होता है ना कि हम सोचते हैं कि जो कलाकार होते हैं बड़े बड़े घरों से आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, जो भी कलाकार होते हैं छोटे गांव से होते हैं, छोटे घरों से होते हैं और फिर जाके बड़े बनते हों, तो यहाँ जाके बहुत मोटिवेशन मिल रहा है मुझे। लेकिन एक चीज़ एक पोपट हो गया हमारा कि जो उनकी मम्मी है वो यहाँ नहीं है, वो नीचे प्रेम नगर में है, तो प्रेम नगर में जाके इनसे मिलेंगे हम। और फिलहाल आप लोग बने रहिए और इस घर का एक शॉट इन्जॉय करिए, ये इनका घर है जहाँ उनका बचपन गुजरा था आजा। और यहाँ देखो इन्होंने, और जो उनकी मम्मी है उन्होंने अकेले रहती हैं शायद, यादव मेरे को मालूम नहीं है, और उन्होंने कोई इतनी बकरियाँ पाली हैं इधर, और इधर एक गाय भी है बछड़ा भी है, और इनका कोई घर है देखो, इनका ऊपर को दिखा, और इनका कुछ ये घर है देखो, हम अंदर तो जाएंगे नहीं, और फिलहाल आप लोग बने रहिए, आप बस यहाँ के एक शॉट इन्जॉय करिए, फिर मिलते हैं आपसे।
तो दगड़ी ये उन पप्पू कार्की जी के पड़ोसी लोग हैं और यहाँ पड़ोस में रुनी है लोग। तो चलो फिर बाय बाय, फिर मिल लो कदले एल आयल में ले जा, ठीक से, क्योंकि उन्हें मम्मी तो मैं हूं तो प्रेम नगर ले जा। हाँ, इन्होंने देखो कितनी सारी बकरियां पाली हुई है। तो गांव के लोग इतने प्यारे होते ना, जिस घर से भी जिस आंगन से भी गुजरते थे सब पूछ रहे थे खाना खा लो पानी पी लो, और बहुत प्यारे लोग थे। हमने पानी पिया है और सब लोग ने रास्ता बताया, अभी पूछ रहे थे वीडियो बना ली, कुछ लोगों ने आपको दिखाया भी। तो देखो गाँव में कितने प्यारे लोग होते हैं और गाँव इसी की वजह से जाना जाता है, जैसे पप्पू कार्की जी थे तो देखो उनके गाँव में कितने अच्छे संस्कार हैं, कितनी अच्छी चीज़ें हैं। और छोटा सा गाँव उनका लेकिन इतना प्यारा गाँव है देखो। तो ऐसी आवाज़ को जिन्होंने जन्म दिया ना उनकी मम्मी, तो उनकी मम्मी से आपको ज़रूर मिलाऊंगा मैं, उन्हीं के लिए आया था मैं उनसे मिलने के लिए। और मेरे सौभाग्य है कि वो अभी अपने गांव में मौजूद हैं। मेरे ये आपको जो उनकी जननी थी उनकी इस आवाज़ इस इन लोग गायक पप्पू कार्की जी कितनी मीठी आवाज़ की जो जननी है जो उनकी माता है उनसे ज़रूर मिलेंगे आपको, आप लोग बने रहिए। तो दोस्तों मेरे भाई भी मिल गए यहाँ पे, ठीक है फिर। हाँ दोस्तों, पप्पू कार्की जी के गाँव में भी हमारे सब्सक्राइबर मिल चुके हैं, इन्होंने मेरी पहले वीडियोस देखी हुई है, ठीक है। शाम को देखना वीरा, हाँ बाय बाय, अच्छा लगा तुमसे मिलके यार। तो दोस्तों अभी हम पहाड़ों के ऊपर हैं, वाओ। तो ये गांव का मंदिर है और यहाँ से गिने चुने घर है, यहाँ पहाड़ी बुबू है देखो और वक्त पीने ही है लोग, और यहाँ पर इनका बहुत प्यारा घर है। यहाँ से कुछ गिने चुने घर हैं, इसके बाद फिर रोड में ही मिलेंगे हमें घर। तो ये लास्ट के कुछ दो चार घर बचे हुए, तो ठीक छू बुआ फिर मिल लूँ पहला। तो दोस्तों हमें रास्ते में एक आम का पेड़ मिला और कच्चा आम खाने में इतना मजा आ रहा है ना, आज तो मैंने कच्चा आम कैंडी खाई थी, कच्चा आम वाली टॉफी खाई थी और आज कच्चा आम खाने में मजा आ रहा है। दोस्तों मेरे को ये चिंता हो रही है कहीं ढलाने लग जाए मेरे, तो फिलहाल हम लोग कच्चा आम खा रहे हैं। तो दोस्तों वो रोड है और हम फाइनली पहुंच चुके हैं, कैसा लग रहा तुम्हें? बहुत ही अच्छा। तो दगड़ियों में क्या फाइनली मिल गई पप्पू कार्की जी की मम्मी ये हैं। बहुत सुबह से सोच के आ रहा था ना कि तभी इन्हें मिलूं नहीं, फिर मिल गई हूँ मैं और तब यहाँ आया। चलो बहुत ही बल्ला को, तो ये पप्पू कार्की जी की मम्मी छन और देखो फाइनली मिल गई हम इनके और हम तुम्हारे घर में गई मिल में और आज उन्हें जन्मदिन हुआ है। तो सच में बहुत ही बल्ला लग रहा है यार, क्योंकि हमने बचपन से उनके गानों पर नाचे हैं हम। तो दोस्तों अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं, हम लोग लगभग 2-2:30 बजे घर पहुंच गए थे और उसके बाद फिर खाना वाना खाया हमने, फिर वीडियो एडिट की और अभी 5:15-5:14 में मैंने पहला एपिसोड डाला है, आई होप आपने देख लिया होगा। और अभी मैं दूसरा एपिसोड एडिट करता हूं, अभी फिलहाल मैं इन ठंगरों को लेके आ रहा हूं, बड़ी अम्मा ने काटे थे। अपने पहले के व्लॉग देखे तो आपको पता होगा बड़ी अम्मा अभी 80 साल की होगी, अभी ये ठंगरों को काटती है, तो आज भी काटा उन्होंने। तो फिलहाल हम लेके आए हैं और मुँह में बहुत पसीना हो गया, तो एक फिलहाल बचा हुआ है वो कल लेके आऊंगा मैं। अभी शाम के 7 बज रहे हैं, मेरी दूसरी वीडियो एडिट हो चुकी है, पहली वीडियो मैंने डाल दी थी अभी 5:14 में और आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आया, क्योंकि 1-2 घंटे के अंदर ही 700-800 लोगों ने देख ली थी वीडियो, तो मैं बहुत खुशी हूँ मुझे। और आज मेरा एक रिकॉर्ड ही बन चुका है, मेरा खुद का रिकॉर्ड, कि मैंने 7 घंटे के अंदर किसी और जगह जाके वीडियो शूट की, फिर वहाँ घर आया ट्रैवल करके, मैंने कोई रेस्ट वेस्ट नहीं किया, उन दोनों वीडियोज़ को एडिट की और मैं दोनों वीडियो डालने वाला हूँ। तो ये कुछ मेरे साथ नया हो रहा है, तो इसी बात पर आप लाइक कर देना, क्योंकि मैं 7-8 घंटे में 2 वीडियो डालने वाला हूँ आज, वो भी किसी और जगह जाके। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं रोज़ ऐसी वीडियोस डालते रहता हूँ, और अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं पहाड़ से रिलेटेड ऐसी वीडियोस डालते रहता हूँ। और अगर आपको वीडियो जैसी भी लगी अच्छी या बुरी उस हिसाब से लाइक डिसलाइक कर लेना। मिलते हैं नए एपिसोड में, अगर आप इससे पहले वाला पहाड़ देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करिए, अगर आप मेरे को फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करिए, दोनों आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो पहले आप पहाड़ देख लो फेसबुक में, फिर फॉलो कर लेना या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देना। मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक ले बने रहिए, बाय बाय।